हेलो फूडीज, वेलकम टू रसोई का स्वाद। अगर आपने ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुरी सुना दो ता। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुरी सुना दो ता। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, अब तो मुझे पहचान मधुरी सुना दो ता। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुरी सुना तो आज है कान्हा जी की छठी, और छठी का भोग मैंने तैयार किया है। ये मेरी खीर बस बनने ही वाली है। वैसे तो स्पेशलिटी मेरी है, इसमें मैंने जो हरीरा बनाया है उसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि जितना भी भोग बना है उसकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप लोगों को दिखा दूँ। तो देखिए, मेरी खीर बस बनने को तैयार है। ये कद्दू मैंने छौंक दिया है, छौंकने में सिर्फ मैंने तेल गरम किया था, उसमें हींग डाली और थोड़ी सी मेथी डाली, और उसके बाद कद्दू काट करके डाल दिया है। खीर बस बनने ही वाली है। चावल अच्छी तरह से पक चुके हैं और मेरा कद्दू भी अच्छी तरह से बस पक गया है। इसमें हल्दी और नमक डाला था छौंकते टाइम, और उसके बाद मैंने ये दो हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक लिया था, इसको पिस लिया है, ये डाल दिया है। और ये मेरा एक स्पेशल मसाला है, ये दम आलू का मसाला है, वो मैंने आज अपने कद्दू में डाला है। उसको डाल करके फिर मैंने अच्छी तरीके से इसको चला दिया है, और उसके बाद थोड़ा सा एक टुकड़ा गुड़ का मसल करके इसमें डाल दिया है, जिससे कि इसमें एक अच्छा खट्टा मीठा सा स्वाद आ जाए। जो मेरा दम आलू का मसाला है उसमें अच्छी खटाई पड़ी हुई है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा खटाई इसमें नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ उसी मसाले को डाला है और कोई एक्स्ट्रा मसाला इसमें नहीं डाला है। थोड़ी देर के बाद मैं इसमें एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूंगी, जिससे कि इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। ये मैंने अपने आलू टमाटर की सब्जी के लिए कुकर चढ़ाया हुआ है, और उसमें तेल गरम हो चुका है। इस तेल में थोड़ी सी हींग डाल दी है मैंने। फिर उसके बाद ये टमाटर लिए थे मैंने, 3 से 4 टमाटर थे, 3 हरी मिर्च थी और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा था। इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है मिक्सी के जार में, और फिर इसको गरम तेल में मैंने डाल दिया है। इसी के साथ थोड़ा सा सूखा मसाला, सूखे मसाले में हल्दी डाली है, और मैंने लिया है धनिया पाउडर, करीब 1 चम्मच से ज़्यादा धनिया का पाउडर है, और नमक। ये सारी चीज़ें डाल करके मैं चला दिया है, और उसके बाद इसको धीमी आंच पे थोड़ा सा भुनने के लिए ढक करके रख दिया है। आलू उबल लिए थे और करीब 4 से 5 आलू मैंने लिए थे, और उसको मैं इसमें डालूंगी। देखिए, मैंने अब इसमें लाल मिर्च का पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इसमें तीखापन नहीं होता है, सिर्फ एक अच्छा कलर आ जाता है आपकी सब्ज़ी को, ये मैंने डाल दिया है। और हमारा कद्दू बन करके एकदम तैयार हो चुका है, खीर बिल्कुल बन करके तैयार है। अब मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, थोड़ा मैंने काजू डाला है, थोड़ी किशमिश डाली है, और थोड़े से पिस्ते चॉप कर लिए थे। ये डाल करके अब मेरी खीर बिल्कुल बन करके तैयार है। चीनी वगैरह सब आप अपने अंदाज से डाल सकते हैं, और खीर की रेसिपी, कद्दू की सब्जी की रेसिपी, ये सब मैं पहले शेयर कर चुकी है, जो ऊपर आपको आई बटन क्लिक करने पे मिल जाएगी। मेरा मसाला देखिए बिल्कुल बन करके तैयार हो चुका है। अब मैंने इसमें आलू लिए हैं, आलू को मैंने रफली ऐसे ही तोड़ लिया था। इसमें भी मैंने 1 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, और ये 1/2 चम्मच के करीब गर्म मसाला डाला। अब इसके बाद मैंने आलू थोड़े से फोड़ लिए ऐसे ही हाथ से रफली, उबले हुए आलू 5 से 6 ले लिए थे, और उबले हुए आलू को ऐसे ही रफली तोड़ करके और इसके बाद इसमें डाल दिया है। और इसमें करीब 1/2 से 3/4 कप ग्लास पानी मैंने इसमें डाल दिया है, और चला करके इसको प्रेशर लगा दूंगी। 2 सीटी में बिल्कुल अच्छी सब्जी बन करके तैयार हो जाएगी, क्योंकि आलू हमारे ऑलरेडी पके हुए हैं और टमाटर की ग्रेवी को बहुत ज़्यादा पकने की ज़रूरत नहीं होती है, मसाले पक चुके हैं। और बस ये मैंने चलाया और इसको मैं ढक के रख दूँगी। मैंने अपने दही बड़े के लिए ये फेंट लिया था अच्छी तरीके से, अपने उड़द की दाल को पीस लिया है। दही बड़े की भी रेसिपी आपको आई बटन में क्लिक करने पे मिल जाएगी, मैंने पहले पूरी डिटेल में दही बड़े की रेसिपी शेयर की है, वो आप देख लीजिए।
और ये मेरी कढ़ी तैयार हो रही है। कढ़ी की भी रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। बेसन बिल्कुल पकने वाला है। अब मैं इसमें अपनी तैयार की हुई पकौड़ियाँ डाल दूंगी और ढक करके धीमी आंच पे इसको पकने दूंगी। इसकी भी रेसिपी आपको मिल जाएगी। आइए चलिए मेन जो रेसिपी है उस पर चलते हैं। ये है मेरा हरीरा। इसमें मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच जीरा है, 1 चम्मच कलौंजी है, 1 चम्मच अजवाइन है और इसके साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें कि 12 से 15 छुआड़े हैं। आधा कप मैंने इसमें काजू लिया है, 1/4 कप किशमिश लिए हैं, 12 से 15 बादाम लिए हैं और 1/4 कप इसमें खसखस है। खसखस या पॉपी सीड, या आप जो ये पॉपी सीड्स होती हैं वो सब डाल करके मैंने करीब 2 घंटे के लिए इन सब चीज़ों को डाल करके भिगा दिया था। अच्छी तरीके से ये भीग चुके हैं, मेवे सारे फूल चुके हैं। ज़्यादा करके आपको छुआड़े को भिगाने की ज़रूरत होती है। और ये मैंने 2 बड़े टुकड़े अदरक के लिए हैं, इसको भी मैं इसी के साथ पीसूंगी। छुआड़े में से बीज आप निकाल देंगे और इसके बाद इसको फाइन पेस्ट की तरह से हम पीस लेंगे मिक्सी के जार में डाल करके। एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, इसमें करीब 1 चम्मच के करीब हम सरसों का तेल डालेंगे। जब सरसों का तेल अच्छा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें 1/2 चम्मच जीरे का डाल देंगे तड़के के लिए। और उसके बाद जो मैंने ये पूरा आपको अभी बताया है, सारे मेवे, इन सब को जो हमने पिस करके पेस्ट तैयार किया है वो हम इसमें डाल देंगे। ये जीरा देखिए थोड़ा सा चिटकने लगा है और ये हमारा पेस्ट पिस करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको आप कम से कम जब आप भिगाएंगे तो 2 घंटे के लिए कम से कम भिगाएंगे, जिससे कि जो छुआड़ा है वो अच्छी तरीके से पिस पाए। नहीं तो छुआड़ा जो है वो थोड़ा कड़ा होता है तो आपका पिसेगा नहीं और पेस्ट अच्छा बनेगा नहीं इसका। इस तरीके से हम इसको चलाएंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देंगे, बिल्कुल धीमी आँच पर, और टाइम टाइम पर इसको चलाते हुए हमको पकाना है। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी। फ्रेंड्स, ये जो हरीरा होता है ये बहुत ही पौष्टिक होता है, स्पेशली ये प्रेगनेंसी के बाद बना करके दिया जाता है जिससे कि हेल्थ अच्छी रहे। और प्रेगनेंसी के बाद बहुत कमज़ोरी आ जाती है, उसके लिए ये उसको रिकवर करने के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जो हरीरा होता है इसको आप जाड़े में बना करके रख सकते हैं, बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी आप इसको दे सकते हैं। अब मैंने इसमें करीब 1.5 कप के करीब गुड़ ले लिया है जिसको अच्छी तरह से मसल लिया था और वो इसमें डाल दिया है। ये डालने के बाद थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे इसमें, जिससे कि हमारा जो हरीरे का पेस्ट है वो और भी अच्छी तरीके से पक जाए। इसको लगातार आपको थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहना है, आप इसको ऐसे ही छोड़ नहीं सकते हैं। देखिए हम इसको लगातार चला रहे हैं। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी के डाल देंगे। फ्रेंड्स, इसमें जितनी भी चीज़ें जा रही हैं वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है, इसको आप पूड़ी या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं या ऐसे भी आप एक कटोरी में इसको गर्म करके दीजिए बच्चों को, दूध के साथ, बड़ों को दीजिए, बच्चों को दीजिए। ये किसी भी तरह से कहीं से नुकसानदेह वाली चीज़ नहीं है, बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही हेल्दी चीज़ होती है ये हरीरा। और स्पेशली ये प्रेगनेंसी के बाद हम लोगों के यहाँ बनाया जाता है और आज भगवान जी की छठी है तो 6 दिन के बाद जब हम बना रहे हैं तो इसको हम लोग ज़रूर बनाते हैं अपने यहाँ छठी में। तो ये मेरा हरीरा देखिए, जब ये पकने वाला होगा तो आपको पता चल जाएगा, इसमें एक अच्छी शाइन आ जाएगी, घी थोड़ा छोड़ देगा और जो इसके बुलबुले हैं वो छिटकने लग जाएंगे। हमारा हरीरा बनके तैयार है। इसको और देसी घी डाल करके मैंने ठाकुर जी के भोग के लिए तैयार कर लिया है। देखिए हमारा हरीरा बिल्कुल बन करके तैयार हो चुका है। इसको आप फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और देखिए हमारा हरीरा बनके तैयार हो चुका है, कढ़ी, पकौड़ी, सब चीज़ बन करके तैयार हो चुकी है और अब मैंने अपनी थाली लगाई है और उसको अपने ठाकुर जी को भोग लगाया है। इसमें है पूड़ी, कचौड़ी, चावल, खीर, कद्दू की सब्जी, आलू की सब्जी, सब कुछ है। फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस रेसिपी और हमें ज़रूर